ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस महामारी के खिलाफ जो संघर्ष पूरे देश को करना है, उसका इतना बड़ा भार इस देश के श्रमिकों और मजदूरों को सहना पड़ेगा। पहली बार देखा था हमने लाखों लाखों की संख्या में बुजुर्ग, बच्चे, श्रमिक, औरत, आदमी सब बॉर्डर पर फंसे हुए थे। और पिछले कुछ दिनों में सब्र का बांध लोगों का टूटा है और मुझे बड़ा दुख है कि आज इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई कारण नहीं है कि इस देश के मेहनतकश लोग, जिन्होंने अपने हाथों से इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया है, इस देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है, वो हमारे चाहे कृषि श्रमिक हों, चाहे हाथ से मजदूरी करने वाले लोग हों, ठेला रेडी चलाने वाले लोग हों, जो लोग आज अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए इतने असमंजस पैदा कर दिया केंद्र की सरकार ने कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने घर पहुंच जाने का, और उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने का इंतजाम करना उस सरकार की जिम्मेदारी है जिस राज्य में वो लोग हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम सब लोगों को सुरक्षित और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे ट्रेनों से हो, चाहे बसों से हो। लेकिन जैसा यूपी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। और जो 1000 बस हम लोगों ने करके दी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी ने करी थी यूपी ले जाने के लिए, पहले परमिशन नहीं दी, अब परमिशन देते हुए कहा कि इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। मतलब लोगों को इंतजार कराना, घुमाए रखना, और जिन कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से श्रमिकों के लिए बसों का अंजाम किया है, उन बसों को बेवजह बॉर्डर पर रोक लेना, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की राजनीति है? हम लोग जिम्मेदारी समझते हैं। आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर लाखों करोड़ों लोगों के जो आंसू में पहुँचने चाहिए वो लोग अपने घर तक पहुँच सकें। इन लोगों के अंदर निराशा है, बेरोजगार हो गए हैं, खाने को सामग्री खत्म हो रही है, इतने हफ्ते निकल गए और आज तक कोई ठोस नीति केंद्र सरकार ने बनाई नहीं है। राजस्थान में हम लोगों ने, सरकार ने और पार्टी ने मिलकर सैकड़ों लोगों को वापस भेजा है और लाखों लोग वापस आना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब श्रमिकों के नाम पर, चाहे वित्त मंत्री महोदया हों जिन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करी, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। अगर किसी का दुख बांटना, किसी श्रमिक को मदद करना, उसको बॉर्डर तक पहुंचाना, उसके लिए बस का इंतजाम करना, ये कहां से दिखावा हो गया? और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि आपने इतने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का अनाउंसमेंट करी, उसमें गरीब के हाथ में कितना पैसा आया? जो श्रमिक अपने घर गांव जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था के लिए कितना पैसा आपने गर्मा किया है? सिर्फ लोन एक मिला लगा दिया कि लोन ले जाओ, बाद में चुकाते रहना, ये बिल्कुल दोहरी नीति है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रण लिया है, कांग्रेस लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कोई व्यक्ति परेशान है, अटका हुआ है, उसके लिए पैसे का अंजाम करेंगे, उसको खाने का अंजाम करेंगे, उसको घर पहुँचाएंगे। इस इतने महत्वपूर्ण कठिन समय में हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। लेकिन मुझे खेत से कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार, उनके नेताओं ने बेवजह बयानबाजी कर इन मासूम, गरीब, बिचड़े हमारे जो श्रमिक साथी हैं, इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब समय आ गया कि अब सामने आकर इन लोगों को घर पहुंचाना चाहिए। हम लोग आज कुछ बसों का रवाना कर रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ जाएंगे, कुछ बिहार बंगाल जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी रखी नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार इस बात से कुछ सबक लेगी। प्रियंका गांधी ने एक संख्या में आ रहे हैं, आज राजस्थान में 29 दिन के अंदर पहली बार मैंने मीटिंग करी थी 17 अप्रैल को। राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा से काम ले रहे थे, आज वो संख्या 34 लाख हो गई है। 28 दिन के अंदर 62,000 से हम 34 लाख पर पहुंचे हैं। और हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर एक राज्य है जहां गांव देहात में लोगों को नरेगा से रोजगार मिल रहा है। और हमने कहा है जो हमारे साथी श्रमिक वापस अपने प्रदेश में आएंगे, उन लोगों के लिए हम आसानी से जॉब कार्ड बनाएंगे, उनकी कहाँ ट्रेनिंग करा सकते हैं वो भी कराएंगे, लेकिन सरल और आसान तरीके से उन लोगों को काम मिले, उनके जॉब कार्ड बने, इस बात के लिए हमें डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिया हुआ है। सर, यूपी सरकार को जो 1,000 बसें भेजी है उसमें बीजेपी सवाल उठा रही है, उस 1,000 में से 2-व्हीलर और 3-व्हीलर गाड़ियां हैं ज्यादा। बीजेपी ने बाकायदा प्रवक्ताओं ये नुक्ताचीनी करना बंद करें, सारी बसेस बॉर्डर पर खड़ी हैं, 2 दिन हो गए हैं, और बसों को हम भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ हम भेज सकते हैं अपने बसों से भेज रहे हैं। लेकिन आप जानबूझ के परमिशन ना दो और फिर हम नेताओं के ऊपर उंगली उठाओ, आरोप प्रत्यारोप करो, मुझे समझ में नहीं आता कि आज के दिन आप किस इंसानियत का परिचय दे रहे हो। आज तो आपको मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की पार्टी विचारधारा से परे हटकर लोगों की सहायता करने का एक काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं।
आप सब लोग जानते हो, आप कृपा करके भरतपुर अलवर बॉर्डर पे चले जाइए, वहाँ बसें खड़ी हैं, आज और बसें जा रही हैं, बसें 990 हैं, 1010, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने बसें करा दी, उनको परमिशन नहीं दी गई। अब परमिशन जब प्रियंका गांधी ने पब्लिक में कहा मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा उन बसों को पहले लखनऊ भेजो, वहाँ से परमिट दी जाएगी। मतलब वो घुमाने का काम कर रहे हैं बजाय लोगों की मदद करने का। मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है और जनता इस बात को याद रखेगी। ये हमारी, मैं शुरू से कह चुका हूँ, अभी तक देश भर में सिर्फ शहरों तक सीमित रहा है संक्रमण। इस संक्रमण को किसी भी कीमत पे हम ग्रामीण क्षेत्र में फैलने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। चाहे कुछ करना पड़े, हमें इसको यहाँ पर है कंटेनमेंट जोन, रेड जोन में रोकना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हम लोगों ने डेवलप किया है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर। हर जनप्रतिनिधि, हर अधिकारी, हर कर्मचारी इसमें लगा हुआ है कि संक्रमण गाँव में ना फैले। इस देश में अभी हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन गांव में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। अगर भगवान ना करे ये संक्रमण गांव में फैल गया तो संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। हमने पूरा डिपार्टमेंट ने, मंत्रालय ने, हम सब इसमें लगे हुए हैं कि कैसे इसको कंटेन करें, क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन करें, लेकिन ये संक्रमण गाँव में ना फैले, हमारी पहली प्राथमिकता है। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।